करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। कहता है एक नेटवर्क है और ये नेटवर्क व्हीटस्टोन ब्रिज पर है। नेटवर्क शोन इन फिगर हर एक की ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच हमें रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करनी है। तो ए और बी के बीच ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए और बी के बीच रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो 5 रेजिस्टेंस का ग्रुप है तो, और ये एक स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर थोड़ा सा भी थियरी पढ़े होगे तो ये स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ए को उठा के यहाँ रखो और बी को उठा के यहाँ रखो तो ये हमें ब्रिज की तरह दिखेगा। ये मैं ए और बी को ऐसे उठा के रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली जो चीज है ये ऐसे आ गई और ये एक इधर आ जाएगा और ये एक यहाँ आ जाएगा 2 ओम का और ये 2 ओम का और ये 2 ओम का और ये पॉइंट ए वाला यहाँ आ जाएगा ऐसे उठा के रखे। और यहाँ से इधर पहले से ही 2 था और ये पहले से ही 2 था और ये बी आ जाएगा इधर, तो ये 2 ओम और ये 2 ओम इधर से। अब हम सबको पता है ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज इज बैलेंस। 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। सो ये पी और ये क्यू और ये आर और ये एस, ठीक है। तो ये ब्रिज बैलेंस है, तो ब्रिज बैलेंस है तो ये यूजलेस हो गया, दिस इज द यूजलेस। इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, जीरो। तो ये और ये सीरीज में हो गए, 2 और 2 सीरीज में 4 हो गए और ये और 2 सीरीज में ये 4 हो गए। तो 4 और 4 आपस में पैरेलल में हो गए तो फाइनली 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड 4 प्लस 4 दैट इज 2 ओम, दैट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द ए बी। तो फाइनल सोल्यूशन इज 2 ओम। वैसे भी इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसको अगर मेरा वीडियो इससे पहले देखे होगे बहुत सारे तो मैं बताया हूँगा कि अगर ये स्टैंडर्ड, देखो ऐसे ही देखते इसको लगा दोगे यार, ये स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, सारे रेजिस्टेंस इक्वल है। तो जब सारे रेजिस्टेंस इक्वल है तो नेट रेजिस्टेंस किसी एक के, मतलब नेट रेजिस्टेंस उन्हीं के बराबर होता है। तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही है।